यो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम फिट फाट मस्त माहौल में होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो यार आज ईद का तीसरा दिन है, तो सबसे पहले आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। एक्टिव था चैनल पे, तो उसके ऊपर ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ करना, तो आगे कोशिश करूँगा कि रेगुलर हो जाऊँ। तो यार तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप GTA San Andreas में मिशन किस तरह स्किप कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाए ना, तो जो नॉर्मल गेमिंग से हट के जो थोड़े से लोग हैं, जो ज़्यादा टेक्निकल लोग हैं, तो जिनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन है थोड़ी बहुत ही, यानी कि नॉर्मल गेमिंग से हट के, तो भी सारे सही कमेंट कर रहे हैं कि भाई ठीक है, वर्किंग कर रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है, भाई डिस्क्रिप्शन की तरह भाई फेक वीडियो है, हमारी गेम क्रैश हो रही है। भाई गेम कैसे क्रैश हो सकती है पहले तो ये बताओ। तो मैंने सोचा कि मैं आज एकदम डिटेल से इस टॉपिक को कवर कर लूँ, तो देखते हैं क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द गेम प्ले। तो ये थी यार वो मिशन वाली फाइल, जहाँ से ये उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मैंने डाउनलोड किया, तो जो 100% वर्क करती है। तो अगर आपको जानना है कि आप किस तरह इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके आप देख सकते हैं कि आप किस तरह मेरी वेबसाइट से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी गेम ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, और आके आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एकदम फ्रेश अभी गेम इंस्टॉल की है, क्योंकि मैं GTA San Andreas खेलता नहीं हूँ। तो अनइंस्टॉल पड़ी हुई है, मैंने दोबारा इंस्टॉल किया वीडियो बनाने के लिए। तो एकदम फ्रेश हो गया मैं यहाँ से, सिंपली स्टार्ट गेम के सेक्शन में जाता हूँ, लोड गेम में आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी गेम, यानी कि सेव गेम की फाइल कोई भी नहीं यहाँ पे आया है, यानी कि बिल्कुल फ्रेश किस्म की गेम है। यहाँ पे भी मैं डालूंगा रैंडमली कोई भी यहाँ पे मिशन, तो उसमें आ जाएगी यहाँ पे। तो अभी मैं जल्दी से इस गेम को यहाँ से क्विट कर लेता हूँ, और जो मिशन वाली फाइल थी ना GTA San Andreas की, उसको मैं यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो गेम मेरी यहाँ पे एग्जिट हो चुकी है। अभी यहाँ से सिंपली जो मैंने ड्रॉअर में फाइल पड़ी हुई है स्किप मिशन GTA San Andreas, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यार यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। इसके अंदर आपको दो फाइल्स ही देखने को मिलेंगी, एक ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, बाकी आप गेम इन पार्ट्स में आ जाएं। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सारे मिशन देखने मिल जाएंगे, पूरे 100 मिशन हैं। तो लास्ट टाइम वीडियो में जो मैंने लगाया था वो ये एंड ऑफ द लाइन मिशन लगाया था एक वाला, तो कुछ लोग रह रहे थे भाई ये वाला मिशन काम कर रहा है, बाकी कोई काम ही नहीं कर रहे। तो अभी यहाँ से मैं रैंडमली मिशन पिक करूँगा यहाँ से। तो अभी आप कहेंगे रैंडमली किस तरह पिक करूँगा, मैं यहाँ से रख ली आँखों पर हाथ, और मैं स्क्रॉल ऊपर डाउन कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो वाला मिशन आएगा उस पर मैं चूज़ कर लूँगा। तो यहाँ से भी मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी आ रहा है 40 नंबर वाला मिशन जो है डिसकंस्ट्रक्शन, इनके डिकंस्ट्रक्शन। तो इसको मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और जिसकी ये फाइल है ना सेव मिशन वाली, वो ये आ चुकी है मेरे पास। अब मैं सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ या कट कर लेता हूँ राइट क्लिक करके। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने दिस PC में आ जाता हूँ। दिस PC में आने के बाद यहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर देखने को मिलेगा, इसमें आ जाए, और यहाँ में आपको मिल जाएगी GTA San Andreas की यूज़र फाइल, आप इसमें आ जाना है। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी अगर आपने गेम पहले से खेली हुई है, तो यहाँ पे आपको एक फाइल मिल जाएगी, जिसके हिसाब से आप जब इसको पेस्ट करेंगे यहाँ से रिप्लेस भी मांग लेगा, या कभी कभार नहीं मांगेगा। आप देना चाहें रिप्लेस तो दे भी सकते हैं, ना भी देना चाहें तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे मेरा वो डिसकंस्ट्रक्शन वाला जो मिशन था लेवल 40 का, वो लग चुका है बिल्कुल रैंडमली चूज़ किया आंखों पे हाथ रख के, यानी कि अब ये कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई तूने ये फिक्स कोई किया है, यानी कि एक ही कोई मिशन काम कर रहा है वो तूने लगाया, रैंडमली चूज़ किया। तो आप देख सकते हैं ये डिसकंस्ट्रक्शन वाला मिशन मैंने लगाया है। तो अब मैं यहाँ से सिंपली अपनी गेम को ओपन कर लेता हूँ, और देख लेता हूँ कि भाई ये मिशन लगा है नहीं लगा है, भाई ये फाइल जो है ये काम करती है कि नहीं करती है। तो यहाँ से भी स्टार्ट गेम में चले जाते हैं, और सिंपली यहाँ से लोड गेम में आ जाते हो। आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सेव फाइल नहीं थी, और अभी यहाँ पे आ चुकी है डिसकंस्ट्रक्शन। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि भाई सिर्फ नाम किया या असल में भी सेव हुई है फाइल। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से नए शहर से निकल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 100% ये मिशन काम कर रही है फाइल्स। तो इसमें अब ये कोई नहीं कह सकते कि भाई फेक है तो नहीं है। तो यार प्लीज़ उस वीडियो पे जो भी देखते हैं तो फेक कहना बंद कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड मार्कर भी आया हुआ, यानी कि अगला मिशन यहाँ से 41 लेवल वाला मिशन भी हम लगा सकते हैं। तो यार ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद क्या करनी है, यकीनन आपको ये वीडियो पसंद ही आई होगी। तो अगर तो यार इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस फाइल को जो भी यहाँ पे 100 मिशन वाली फाइल है, उसका वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप जाके आप देख सकते हैं कि आप किस तरह मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार वो आप जरूर चेक कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, किसी और गेम और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।